हैदर क्या हुआ? आंटी के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, उन्हीं के लिए परेशान हूँ। तुम्हें रुख्सत करवा के लिए तो आया हूँ, समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मनाऊँ कैसे। I'm so sorry, मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान ना हो। परेशानी वाली बात तो है ना मेरे लिए, आपकी अम्मी है, मेरे लिए अहम है और काबिल एहतराम है। अगर आंटी ने मुझे कबूल ना किया तो आप क्या करेंगे? कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अम्मी को मनाना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ वो मान जाएंगी। हाँ, उन्हें मानने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। शुरू का वक्त टफ जरूर होगा, हो सकता है अम्मी गुस्से में तुम्हें कुछ उल्टा सीधा भी कह दें, लेकिन प्लीज मेरी खातिर बर्दाश्त कर लेना। क्या हुआ, कुछ कहोगी नहीं? जब बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाए तो क्या कहूंगी मैं? बस एक बात का यकीन दिलाना चाहती हूँ आपको, मैं हमेशा आपके साथ, चाहे जिंदगी में कोई भी मसला है, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। थैंक यू। तुम जानती हो अंकल ने मुझे जिंदगी का बेहतरीन तोहफा दिया तुम्हारी सूरत में। आई नो तुम और एमल ये समझते हो कि अंकल तुमसे प्यार नहीं करते थे, बट ट्रस्ट मी, हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो बहुत प्यार करते थे तुम लोगों से, इन माई ओपिनियन जरूरत से ज्यादा ही। हमेशा तुम लोगों के बारे में फिक्रमंद रहते थे, हमेशा उन्हें ऐसे ही लगता था कि शायद वो अपनी गलती का कफारा अदा नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने की है। हम समझ ही नहीं सके पापा को, जब आंखों पे बदगुमानी की पट्टी हो तो सच नजर नहीं आता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए इंसान समझ नहीं पाता क्या सच है और क्या झूठ। यही हम बहनों के साथ भी हो। बाबा ठीक कहते थे, वो जो कहते थे ठीक कहते थे, अगर हम कैसे यकीन कर लेते? इतना दुख, इतनी तकलीफें उठाई लोगों पर एतबार करके, फिर किसी का एतबार करने का सोचकर भी वहशत होती थी। प्लीज डोंट ब्लेम योरसेल्फ, इसमें तुम दोनों का कसूर भी नहीं था, हालात ही कुछ ऐसे थे। लेकिन अंकल, अंकल तुम दोनों को जिंदगी की हर खुशी देना चाहते थे, वो तुम दोनों को बाप की शफकत देना चाहते थे। पर हम कमक बाप की शफकत को मुनाफकत समझते। क्या उन्होंने हमें माफ कर दिया होगा? पता नहीं क्यों दिल में अजीब से वसवसे आते, बाबा हमसे नाराज ही चले गए। एक बाप अपनी बेटियों से नाराज नहीं रह सकता, अंकल तो बिल्कुल भी नहीं। रात काफी हो गई है, तुम भी थक गई होगी, अंदर चल के आराम कर लो।
Hi everyone, this is Kubra Khan. Do subscribe to the ARY channel on YouTube to watch episodes of Sinfiahan or any other update.